लाइन ग्राफ, इस चीज को लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसके बारे में सारा चीज डिटेल में देख लीजिए। लाइन ग्राफ का पहला सवाल ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा छह वो कंपनी है, यहाँ देखिएगा छह कंपनी है, छह कंपनी का डिटेल्स दिया हुआ है। ये जो गोला वाला है ये आय के बारे में, इनकम के बारे में, और ये जो स्टार वाला है ये खर्च के बारे में बताएगा। यहाँ आय और व्यय, व्यय मतलब खर्च, आय और व्यय को करोड़ में बताया जा रहा है छह कंपनी द्वारा। छह कंपनी है और इसमें करोड़ के बारे में बताया गया है। छह वर्ष भी कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी किसी कंपनी के आय और व्यय का खर्च दिया गया है करोड़ में 6 साल का, 2018 से लेकर 2023 तक। जो ग्राफ लाइन पर है वो उतना है, और जो ग्राफ लाइन पर नहीं है जैसे कि ये बीच में है, तो आपको क्या करना है कि इसको बीच में मानना है। जैसे देखिए ये वाला ग्राफ बीच में है, तो ये वाला किसके बीच में आएगा, तो ये 150 और 200 के बीच में आएगा। तो 150 और 200 के ठीक जो बीच में पड़ेगा वो कहलाएगा। तो 150 और 200 के बीच में क्या कहलाएगा, 175, तो ये वाला 175 कहलाएगा। यहाँ भी ग्राफ देखिए लाइन से ऊपर है, तो लाइन से ऊपर का मतलब बीच में कहलाएगा। तो ये रेंज देखिए कहाँ गया है, 350 और 400 के बीच में है, तो ये 475 कहलाएगा। ये वाला भी देखिएगा, ये वाला बीच में है, ये वाला भी बीच में है। तो अगर ये दोनों बीच में है तो ये देखिएगा, ये 150 से ऊपर और 200 के नीचे, यानी 175 कहलाएगा, ये बीच में। तो अब अगर आप ग्राफ को समझ लिए और ये वाला पता चल गया कि ये इनकम है यानी आय है, और ये खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है, 6 साल के बारे में किसी कंपनी का पूरा डिटेल्स दिया गया है। अब सवाल खाली पढ़िए, ग्राफ हम लोग समझ लिए। सवाल है कि किन 2 वर्षों का कुल खर्च, खर्च का मतलब स्टार वाला पर ध्यान जाना चाहिए, किन 2 वर्षों का कुल खर्च 2005 लिखे, 2023 के आय के बराबर है, 2023 के आय के बराबर है, किन 2 वर्षों का कुल खर्च 2023 के आय के बराबर है। तो पहले ये तो देखिए कि 2023 में आय कितना है, तो ये है डेटा आय का, ये है 2023। अब 2023 का सीधा यहाँ पर हम आएंगे। अब ये देखिएगा ये बीच में है, बीच का मतलब हुआ कि किसके बीच में है, 450 और 500 के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि आय जो है वो 475 है, आय कितना है 475 है। अब हमको क्या करना है कि आय तो 475 सिर्फ नहीं है, 475 करोड़ है, क्योंकि सब किस चीज़ में दिया गया है, करोड़ में दिया गया है। तो ये 475 करोड़ है, तो 2023 का इनकम यानी आय 475 करोड़ है। अब पूछ रहा है कि किन 2 साल में, किन 2 साल में खर्च 475 करोड़ हुआ है, ये पूछ रहा है आपका मतलब, किन 2 साल में खर्च जो है वो 475 करोड़ होगा। तो ऑप्शन वाइज उठाइएगा, 2018 और 2019। अब खर्च का मतलब स्टार, स्टार वाला पर ध्यान जाना चाहिए। तो देखिए तो 2018 और 2019 है, तो 18 में जो खर्च है वो 300 करोड़ है, 18 में खर्च कितना है 300 करोड़ है, और 19 में जो खर्च है वो 200 करोड़ है। तो 3 और 2 500 करोड़ ना हो गया, हमको दोनों मिला के कितना चाहिए, 475 चाहिए। ये ऑप्शन गया, 18 और 20 उठाइए, तो ये है 18, 300 करोड़, और 2020 है, ये देखिएगा बीच का आएगा, तो बीच का मतलब हुआ 175, तो 300 करोड़ और 175 करोड़ कितना होता है, 475 करोड़ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी, 2018 में जो इसका खर्च है वह 300 करोड़ है खर्च, 2018 में जो खर्च है वो 300 करोड़ है, और 2020 में जो खर्च है वो 175 करोड़ है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 475 करोड़, यानी अब हम कह सकते हैं कि 2023 में जितना इनकम बना, तो 2023 में आय बना है 475 करोड़, और वह 2018 और 2020 के खर्च के बराबर है। तो 2018 में हम खर्च किए हैं 300 करोड़, और 2020 में हम खर्च किए हैं 175 करोड़, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 475 करोड़ बनेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ऐसे सवाल में पेन लगाएं चाहे ना लगाएं तो ओरली गिना जाएगा, करोड़ को हम साइड में रखते हैं। ये हमको साफ क्या दिखा, 475 दिखा। ये अगर मैं इन दोनों को उठाया तो ये 18 का मतलब ये 300 दिख रहा है,
19 का मतलब 200, तो 3 और 2 500 नहीं चाहिए, आगे आइए। 18 300 है और 2020 आपका 175, 300 और 175 475 होता है। हाँ हमको ये चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। पिछला क्वेश्चन का ये, अरे यार पिछला क्वेश्चन का जो ये ग्राफ है ना, ये चेंज करिए, हर वीडियो में चल जा रहा है। सेहत पर ध्यान रखिए। देखिए 2020 में 2019 की तुलना में खर्च में कितना परसेंट कमी आई है, पिछला वाला ग्राफ और इस वाले ग्राफ में हल्का सा चेंज किए हैं, पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो में हल्का सा बदलाव आएगा क्योंकि इस जगह पर हम बाय मिस्टेक गलती से लिख दिए थे। देखिए तो बाकी वही बनाने का तरीका है। 2020 में देखिए तो खर्च कितना हो रहा है, 2020 में खर्च जो है ना 200 नहीं है, बीच हुआ 200 से ऊपर है, तो लिख लीजिए। खैर ये सब लिखने की चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। 2020 में जो खर्च है मेरा वो 200 से ऊपर और 250 से नीचे, उसी का बीच में लेना है, यानी 225 2020 में खर्च। अब 2019 में खर्च करिए, तो 2019 में सीधा लाइन पर है, यानी 250 हो रहा है। 2019 में जो खर्च हुआ वो लाइन पर है, यानी पूरे 200। अब देखिए तो सवाल क्या बनाया है, सवाल बनाया है कि 2020 में 19 की तुलना में कितना परसेंटेज कम आई है। तो आपको बताए हैं कि फॉर्मूला परसेंटेज का अलग है और कमी और वृद्धि का परसेंटेज का अलग है। तो कमी या वृद्धि परसेंट का जो फॉर्मूला है ये हम आपको शुरू वाला ग्राफ में लिखवा चुके हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं। कमी या वृद्धि परसेंट होता है कितना और बटा में किससे और गुने 100, कितना बटा किससे और गुने 100। तो देखिए ना 2020 में 19 में कितना था, दो वर्ष 2020 में 19 की तुलना में कितना कमी आई है, मतलब 20 में ही कमी पूछा जा रहा है। 2019 किस पर है, 250 है। 2019 कितना है, 250 है, 250। देखिए 2020 में इसका खर्च हुआ था 225 करोड़, सारा चीज तो करोड़ में ना दिया है। 2020 में इसका खर्च था 225 करोड़ और 2019 में खर्च है 250 करोड़, यानी 250 करोड़। तो कमी कितना आया, 25 करोड़ का कमी आया। परसेंटेज निकालिए, कितना कमी आया 25 का, किससे कमी आया 250 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। कमी या वृद्धि परसेंट का मतलब कितना बटा किससे और गुने 100, कितना कमी लाए हैं 25, किससे कमी आया है 250 से गुने 100। 50 दूना 100 और 50 पचे 250 और 5 से 5 12, 5 दूना के 10% कमी है। ऑप्शन ए 10% कमी है। सिर्फ ग्राफ पर ध्यान देना है, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, हर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट में 5 सवाल बनेंगे, 5 में आप 5 बना सकते हैं अगर वो पॉइंट में नहीं दिया तो। पॉइंट में देगा तो एक या दो क्वेश्चन आपका कम हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन हद से ज़्यादा हो जाता है, और अगर पॉइंट में नहीं दिया ऐसे दिया तो 5 में 5 बनेगा। पिछला सवाल देख के ही बन गया, ये वाला सवाल भी आपका देख के बनेगा। अब देखिए ये चूंकि समझाना था इसलिए हम लिख दिए। अब देखिए तो क्या बोला, 2020 में कितना खर्च है, तो 2020 में इसका जो खर्च है ना वो 200 है। 2019 में कितना खर्च है, तो 250 था, कितना कम किए हैं 25 कम है, किससे कम है 250 से और गुने 100, काटेंगे सीधा आंसर 10%। 10% की कमी आई है इसके खर्च में। दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्षों का खर्च इन वर्षों के औसत से अधिक है। लैंग्वेज का कहना नाम है कि पहले आप खर्च का औसत निकालिए। औसत निकालने का पता है फॉर्मूला, सभी संख्याओं को जोड़िए और जय वो संख्या उससे भाग मारिए, जय वो संख्या यानी जय साल है उससे भाग मारिए, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी का 6 साल का ये पूरा डिटेल्स दिया है, तो खर्च का औसत चाहिए। औसत का फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो आइए खर्च जोड़िए, मन है तो यहाँ लिख लीजिए और मन नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओरली तो आप जोड़ ही सकते हैं, इतना है। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं इसको क्या करूँगा, ओरली बनाऊँगा। देखिए औसत, औसत खर्च के बारे में
तो 300 और ये 250, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ मैं। 300 प्लस 250 प्लस ये कितना है, 225, फिर इसके बाद यहाँ आइए, ये भी बीच में है, बीच में पड़ेगा, इसका मतलब हुआ 375 है ये, हाँ ठीक है 325। फिर यहाँ आ जाइए, ये वाला ग्राफ इसके बीच में पड़ेगा, यानी 175 है, 175 है। एक और ग्राफ है, यहाँ तक गया, ये लाइन पर है, यानी 400 है। इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 1725। हमको पता है कि औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ऐसी ऐसी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम भाग मारेंगे, तो 6 से भाग मारेंगे तो 6 दुना के 12, 5 बचा 52 बन गया, 6 8 48, 4 बना 45, 45 बन गया, 6 7 42। पॉइंट में जाएगा लेकिन हमें अब उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, हमको ये देखना है कि इसका औसत 287 आ रहा है। तो सवाल का कंसेप्ट समझिएगा, इसका क्या नाम था कि कई गो साल ऐसा है जिसका जो खर्च है ना औसत से ज्यादा पड़ेगा, औसत कितना है 287। तो आपको सिर्फ हाथ पर गिन लेना है कि कई गो ऐसा साल है जिसमें खर्च इन लोग औसत से भी ज्यादा कर दिया है, तो जो 287 से ऊपर यानी 300 के आंकड़ा में जो जाएगा वही केवल गिनाएगा। तो आइए 300 में एक, ये 300 नहीं है, यहाँ आइए, ये 300 पार है, हैं तो एक और एक दो, ये 300 के नीचे है, यहाँ आइए, ये 300 पार है, तो एक दो और एक तीन, आंसर होगा 3 साल ऐसे हैं जिनका खर्च औसत खर्च से भी ज़्यादा है। अब आइए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमको पूछा गया कि औसत निकालो, खर्च का औसत, तो निकालिए 3 और 2 5, 5.5, 5.5 और 7.5, मतलब 7.5, 7.5 और 25, मतलब 775। 775 में ये जोड़ लीजिए 375, उसके बाद आप जोड़िए 175 और फिर जोड़िए 400, जोड़ने पर आपका आ रहा है 1725। औसत निकालने के लिए 6 को संख्या है, 6 से भाग मारेंगे आएगा 287। हमको उस ग्राफ को देखना है जो 300 को टच कर रहा है या 300 को पार कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ 300 है तो एक साल गिनाया, ये वाला ग्राफ 300 पार है, 350 पार है तो 2 साल गिनाया, और ये वाला ग्राफ 400 है, ये भी 300 पार है तो 1 साल और गिनाया। 3 साल ऐसे हैं जिसमें कंपनी का खर्च औसत खर्च से भी ज्यादा है, तो 3 साल ऑप्शन बी में है। औसत का मतलब जितनी संख्या है निकाल जोड़िए और संख्या से भाग मारिए, औसत निकल जाएगा। किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा, मतलब खर्च को तुलना करना है आय से और उसको परसेंटेज में चेंज करना है, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है, कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला तरीका ये है कि इन चारों को परसेंटेज आप निकाल लीजिए और देख लीजिए वहाँ से कि कितना परसेंट है। दूसरा तरीका है किसी और तरीके से, तो उसको पहले देखेंगे, पहले समझिएगा कि बोला क्या है। अगर 2018 की हम बात करेंगे तो 2018 में खर्च का जो परसेंटेज होगा, ऑप्शन ए उठा रहा हूँ, तो खर्च का जो परसेंटेज होगा ये कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए कौन किसका और गुने 100, तो पूछिए किससे बोला जा रहा है, तो खर्च, तो देखिए तो 2018 में खर्च कितना है 300 है, और 2018 में आय कितना है 450 और गुने 100, ये आपने खर्च का परसेंटेज निकाल लिया, कौन किसका और गुने 100, पहला तरीका। दूसरा, मतलब दूसरा नहीं, चेके करना होगा, 19 में आइए, 19 में जो ये खर्च किया हुआ है ये है 250 और इसका इनकम कितना है 400, तो ये है 250 और इनकम है आपका 400 और गुने 100। 2020 उठाया, 20 में इसका खर्च हो रहा है 225
25, इसका आय कितना है 350, 350 और गुने 100। 2021 में आइए, 2020 उठा लिए सी, हाँ 2021 में आइए, 21 में इसका जो खर्च बन रहा है, 2021 में इसका जो खर्च बन रहा है वो देखिएगा 375 है, 375 है। इसका जो इनकम बन रहा है वो 450 और गुने 100, मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको जानना होगा। पहला चीज बेसिक मैं बता रहा हूँ ताकि इसका कंसेप्ट आप समझ सके। अब देखिए ना, अब यहाँ पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप काटेंगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि दो बात समझना होगा। पहला बात कि अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा वैल्यू आएगा, है बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा वैल्यू आएगा और छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा। बड़ी संख्या से भाग देने पर छोटा वैल्यू और छोटी संख्या से भाग देने पर बड़ी वैल्यू आती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छोटी संख्या तो ये भी है, लेकिन इस बात का ये भी ध्यान आपको रखना होगा, इस बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर क्या है। तो ऊपर कहीं 300, कहीं 250, कहीं 225, यानी कहने का इसका मतलब है कि नीचे अगर मैं लगभग में देखूं तो 450, 400, 350 और ये 450 इतना ही रहा है। इसके बाद फिर हमको ऊपर में देखना चाहिए, तो ऊपर में 350, अगर ऊपर के मामला में अगर मैं देखूं तो ऊपर के मामला में सबसे ज्यादा किसके पास है, डी के पास है। तो ऊपर के मामला में अगर बड़ी संख्या ये है, क्योंकि ये लगभग अपना ही रेंज में रख रहे हैं, जैसे देखिए इनके बीच में कितने का गैप है 150, यहाँ कितने का गैप है 150, यहाँ कितने का गैप है 125, इसको भी डेढ़े मान लीजिए, यहाँ कितने का गैप है 125 यानी 150, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग गैप तो सेम रखा हुआ है। अब हम या तो इसको काटें या तो देख के बात कर लें। अब यहाँ देखिएगा, अगर मुझे परसेंटेज ज़्यादा चाहिए और अगर बड़ी संख्या ऊपर है तो बड़ी संख्या ही ज़्यादा लेकर के आएगी। तो अब हम इसको लिखने के लिए इसलिए लिखा हूँ ताकि आप इसकी बात को आप समझ सकें। मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैं काटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि हाँ बड़ी संख्या। अब आप इसको काटेंगे ना तो काटने पर आप गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा परसेंटेज यही वाला लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि ऊपर में बड़ी संख्या है, ऊपर में क्या है बड़ी संख्या है। अब आइए एग्जाम में क्या करें, तो अब एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन में 3 बनाए हैं, 3 क्वेश्चन में कुछ ही सेकंड लगा, 1 मिनट नहीं गया है, इसमें 1 मिनट लग सकता है, लेकिन अगर आप बात को समझेंगे तो बहुत कम लगेगा। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका खर्च कितना है 300, यहीं से ना देखेंगे, इसका है 300, इसका है 250, 225 है, इसका है 375 और इसका है 400। हम डायरेक्ट इसी को मारेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 400, अच्छा ई रखा है ना 2021 तक है, तो 2021 तक अगर हम देखेंगे तो 375 है, यानी इस मामला में मेरा ग्राफ खर्च का मामला में कौन है, खर्च का मामला में कौन है। ये देखिए बनाने का तरीका था, यहाँ से आप मोबाइल से चाहे हाथ से काट करके देख लीजिएगा कितना परसेंटेज आएगा। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज कौन ज़्यादा रखेगा, तो जिसका ज़्यादा खर्च होगा वो ज़्यादा परसेंट रखेगा, क्या जिसका ज़्यादा खर्च होगा वो ज़्यादा परसेंट रखेगा। तो ये 300, 250, 225 और ये 375, सबसे ज़्यादा खर्च किसके पास 2021 के पास। तो जब सबसे ज़्यादा खर्च ये कर रहा है तो परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा कौन करेगा, यही करेगा। आंसर ऑप्शन डी, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। अभी तक 4 सवाल आपका एग्जाम में बनाने लायक है, आराम से सब बना सकते हैं बिना टाइम लगाए। वर्ष 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में आय में लगभग कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 22 से तुलना कर रहा है 23 में और बोल रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए ना, 22 में ये तो आय का ग्राफ है और ये देखिएगा 2022 में आय हुआ है इसका रेंज, हाँ तो 375। 2023 में आय में अगर आप देखिएगा तो ये 475 है। कमी या वृद्धि परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, कितना वृद्धि, किससे वृद्धि और गुने 100। तो देखिए तो 375 से 475 हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ 100 का। परसेंटेज निकालिए, कितना वृद्धि हुआ 100, किससे हुआ है 375 से और गुना
सौ, तो 25 से काटिए इसको, 15 बार में 25 चौका 100, ठीक है। 5 से काट लीजिए या है, देखिएगा 15 छक्का 90, 6 point something, 15 छक्का 90, 6 point something, तो 6 point something का मतलब 6 चौके 24 से हल्का पार, 24 से हल्का पार, तो यहाँ देखिएगा 35 है, 40 है, 26 है, 15 है, तो 24 से हल्का पार कौन जाएगा, 26 जाएगा, आंसर हो गया। का अभी तक पूरा जितना ग्राफ बताया हूँ कहीं भी नहीं मैं पूरा काटा हूँ, जब भी सहारा लिया हूँ लगभग का लिया हूँ, आप भी लगभग का ही लेंगे, क्योंकि ग्राफ में जब जब आप टाइम यहाँ से बचाएंगे आप जीके में जाकर के क्वेश्चन 2-4 बेसी मार पाएंगे, अगर कैलकुलेशन में इसका उलझे तो आपका सब खराब कर देंगे। सवाल इसका ये नहीं होता है कि आपसे बनेगा नहीं, 5 सवाल पूछेगा, 5ों में 5 बनेगा, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो 5ों बनेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पर जाकर के ऐसा कैलकुलेशन रखेगा जिसमें आप टाइम जरूर बर्बाद करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ किसी भी प्रकार का हो हम काटेंगे एक्यूरेट नहीं, हम लगभग का सहारा लेंगे और आंसर मारेंगे और आगे बढ़ता चल जाएंगे, नहीं तो सवाल तो तुरंत बन जाएगा और पता चलेगा कि कैलकुलेशन में हम टाइम को खराब कर देंगे, तो ये सब थोड़ा सा बचना।